मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आज मैं देश के सामने 1400 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूं। ये घोटाला हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे हुआ। ये घोटाला उनके प्रतीक चिन्ह खादी के नाम पे हुआ। और बड़े दुख और शर्म के साथ ये कह रहा हूँ कि ये घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी ने किया, जब वो खादी के चेयरमैन थे। तीन दिन पहले मेरे पास एक फाइल आई। ये फाइल पढ़ने के बाद मैं दंग हो गया कि किस तरह से नोटबंदी के दौरान जब सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, लोग भूखे थे, अन्न के लिए तरस रहे थे, उस समय हमारे एलजी साहब 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त थे। जब लोग अपने पड़ोसी के घरों में जा जा के कह रहे थे जी कि खाना नहीं है, जब पूरा देश निकल गया था राशन की बोरियां बांट रहा था एक एक घर में जाके, उस समय विनय कुमार सक्सेना जी 1400 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे थे इस देश के अंदर। ये घोटाला बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, पता भी नहीं चलता किसी को कि ऐसा कोई घोटाला भी चल रहा है। लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से उन दो कैशियर संजीव कुमार जी और प्रदीप यादव का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने जान पर खेलकर, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी कि ये घोटाला किसी भी तरह से देश के सामने आना चाहिए। जांच हुई, आज मैं उनका स्टेटमेंट, जो जांच के दौरान उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैं आपके सामने वो स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं। संजीव कुमार जी, जो कि खादी ग्रामोद्योग के जो बिक्री केंद्र है उसके हेड कैशियर थे, उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ने जा रहा हूं। ये मामला 8 तारीख को, जब 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो पुराने नोट थे 500 और 1000 नोट के, जब बंद कर दिए, उसके बाद 8 तारीख के बाद जो पुराने करप्ट, जो एक तरीके से ब्लैक मनी थी, जो उसको वाइट करने का जो सिलसिला खादी ग्रामोद्योग के अंदर चला, उसके बारे में है पूरी तरह से। हेड कैशियर संजीव कुमार जी अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि मैंने 500 और 1000 रुपये का पुराना नोट भवन प्रबंधक के कहने पर स्वीकार किया, अगर बैंक नोट ले रहा है तो जमा कराएं, ये चेयरमैन जी का आदेश है। चेयरमैन कौन थे? विनय कुमार सक्सेना साहब। चेयरमैन कौन थे? आगे फिर कहते हैं, मैंने प्रबंधक महोदय को मना किया, प्रबंधक महोदय ने मुझसे कहा कि ऊपर से चेयरमैन साहब का दबाव है, अगर नहीं किया तो चेयरमैन साहब नाराज हो जाएंगे, अतः इस बात में मैं काफी डर गया, क्योंकि नोटबंदी से 5 दिन पहले ही चेयरमैन साहब ने भवन के 2 स्टाफ का ट्रांसफर गोवा और जयपुर कर दिया, अतः मैंने मजबूरी में ये काम किया, जिसकी जानकारी भवन के अधिकतर स्टाफ को पहले से थी। इस कार्य के लिए प्रतिदिन प्रबंधक बिक्री कक्ष में अजय गुप्ता जी मुझे भवन प्रबंधक कक्ष में बुलाते, पुराने 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए देते और कहते कि आप प्रतिदिन अजय गुप्ता जी को नोट बदल के दे दिया करो। जो भी मैंने अनुचित कार्य किया
वो प्रबंधक श्री ए के गर्ग के दबाव में किया और इसकी पूरी जिम्मेदारी ए के गर्ग जी की है। मैं ये शपथ पूर्वक कहता हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं बड़े दुखी मन से बैंक में कैश जमा कराता था और मेरे करीब 7 दिन के अवकाश के बाद दूसरे जो प्रदीप यादव LDC को मेरी अनुपस्थिति में हेड कैशियर के रूप में काम करते थे। सही बात तो यह है कि मैं अपने ट्रांसफ़र से बहुत डर गया था। यह कार्य इसलिए किया क्योंकि कुछ दिन पहले भवन के स्टाफ की मृत्यु दिल्ली से बाहर जाने पर हो गई थी। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, पूरा दोष भवन प्रबंधक और अजय गुप्ता जी का है। भवन प्रबंधक जो है ए के गर्ग साहब हैं, गुप्ता जी जो हैं फ्लोर मैनेजर हैं। ये इनका स्टेटमेंट है। जब इन्होंने देखा किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, इन्होंने छुट्टी ले ली। छुट्टी लेने के बाद इनके जूनियर प्रदीप कुमार यादव जी थे, उनको बनाया गया हेड कैशियर। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। नोटबंदी 8 तारीख को हो गई, 9/11/2016 के बाद हमने ग्राहक से कोई पुराने नोट नहीं लिए। जो भी नोट जमा हुए काउंटर कैशियर द्वारा जमा किए गए, नए नोट हेड कैशियर के पास जाते थे। इसके बाद वह नोट श्री ए के गर्ग साहब के आदेशानुसार, ए के गर्ग कौन है, प्रबंधक साहब, एक मिनट, ए के गर्ग साहब के आदेशानुसार अजय कुमार गुप्ता जो फ्लोर मैनेजर थे उनके हेड कैबिन में मुझे बुलाया जाता था, वहाँ नोट बदला जाता था और नोट बदल के पुराने नोट मुझे दिए जाते थे और कहते थे बदल के इसमें लेके आ जाना। उसके बाद नोट को कैशियर बैंक में जमा कराते थे। श्रीमान प्रबंधक ए के गर्ग ने हेड कैश पर काम करने के एक दिन पहले शाम को अपने कैबिन में बुलाकर हमें नोट बदलने के लिए कहा। हमने कहा सर इससे परेशानी ना हो जाए, तो उन्होंने कहा कि ये चेयरमैन साहब का है। किसका है? चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब कौन है? जो अभी LGN है, विनय कुमार सक्सेना जी। बोले वो उनका है, चिंता की कोई बात नहीं, हम हैं सब कुछ देख लेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा ये कार कैशियर को प्रेशर देके कराया गया। गर्ग साहब ने ये भी कहा ये पहले से भी हो रहा है और बहुत सारी जगहों पे भी हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो, अगर नहीं करोगे तो फिर। ये दोनों कैशियर का स्टेटमेंट है। एक ब्रांच के ये दोनों कैशियर हैं और इन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद हमारे ब्रांच से लगभग 22 लाख रुपए हेर फेर की गई, पुराने नोट को बदलकर नए नोट बदले गए। और इस तरह से पूरे देश में लगभग 7,000 ब्रांचेज हैं खादी ग्रामोद्योग की। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1400 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार है ये। साथियों ये बेचारे ये दोनों बहुत डर गए, लेकिन बड़े छोटे लोग थे, बड़े गरीब लोग थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने देश के हर फोरम में इसकी शिकायत की कि हमसे ये गलत काम कराया जा रहा है। जांच हुई और इस देश का दुर्भाग्य, इन लोगों का दुर्भाग्य, हम लोगों का दुर्भाग्य कि उस जांच की अध्यक्षता किसने की जिनके ऊपर आरोप था। उन्होंने अध्यक्षता की और साथ ही साथ इन दोनों कैशियर को सस्पेंड कर दिया। और जो दोनों ऑफिसर गर्ग और गुप्ता जो इनके इशारे पे काम करते थे उनका प्रमोशन कर दिया। एक को तो राजस्थान, पूरा का पूरा राजस्थान दे दिया उनको। ये 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, सारा का सारा मामला लीपापोती कर दी गई। CBI में भी मामला दर्ज किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि CBI में इनका नाम तक नहीं लिखा गया। CBI ने ना कोई रेड की, ना कोई पूछताछ की इनसे, सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। इतना बड़ा घोटाला हुआ लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जिन लोगों ने इस घोटाले को एक्सपोज किया उन बेचारों को ही सस्पेंड कर दिया गया। साथियों हमने महाभारत की भी कहानियां सुनी है, हमने रामायण की भी कहानी सुनी है। इस कहानी में क्या है? कहानी में एक ही चीज है, सच्चाई कभी नहीं हारती। लेकिन ऐसा लगता है इस मामले में सच्चाई हार रही है। वो दोनों कैशियर
आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो दोनों कैशियर भाग रहे हैं कि कहीं उनकी हत्या ना हो जाए। वो दोनों कैशियर एक रात कहीं भी नहीं रहते, कहीं इधर भागते हैं, कहीं उधर भागते हैं, कहीं इधर भागते हैं, कहीं उधर भागते हैं। ये हाल कर दिया उन्होंने। मैं इस सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि सीबीआई के एप्लीकेशन में, सीबीआई के एफआईआर में विनय कुमार सक्सेना जी का नाम डाला जाए। सहमत है कि नहीं सहमत है? इनके खिलाफ रेड होनी चाहिए, इनके खिलाफ ईडी का रेड होना चाहिए। पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग है, ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। एलजी साहब के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ रेड होनी चाहिए, और साथ ही साथ जब तक ये जांच चले इनको कोई अधिकार नहीं बनता एलजी के पद पे रहिए, इनको एलजी से हटाया जाए। साथियों, ये खबर भी छपी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एलजी साहब को हटाना चाहिए। एलजी साहब भ्रष्ट हैं, एलजी साहब ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया, इसकी जांच होनी चाहिए। एलजी के लिए ऐसा नहीं, एलजी साहब के खिलाफ जांच होनी चाहिए, साढ़े बारह बजे के खिलाफ जांच होनी चाहिए, 12:30 बजे तक।